नमस्ते प्रणाम और दिल से सबको आभार प्रकट करता हूँ। लेट नाइट आया मैं क्योंकि अभी मेरा पिकअप हुआ, मैं अभी सिनेमा कर रहा हूँ, बोल रहा था बोल, और काफ़ी रात हो गई है आप सबसे बात करने के लिए, तो कोई बात नहीं, बस खुशी आज हुई बहुत ज़्यादा क्योंकि आप लोगों ने मेरा चार चार सॉन्ग और चारों होली के सॉन्ग, और आप सब ने चारों होली के सॉन्ग को ट्रेंडिंग में लाया, और एक तो बवाल करेंगे मुझे लगता है 10 दिन से लगातार ट्रेंडिंग में, उसके बाद मुर्गा के रसा जो 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ वो भी ट्रेंडिंग में उसी दिन से है, उसके बाद बैगन के दाम वो भी गाना जिस दिन से रिलीज़ हुआ उस दिन से ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। तो आप सबकी मोहब्बत, और आज एक गाना रिलीज़ हुआ है वेव कंपनी से, वो भी ट्रेंडिंग में है। एक गाना भतीजवा के होली वो नेपाल में ट्रेंडिंग में है, तो ये खुशी मैं कोशिश करता हूँ जब भी आप मुझे इतना प्यार देते हैं तो मैं आप सबको धन्यवाद देने के लिए लाइव आता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इरादा नहीं होता है। और आज की मूवी को आप लोगों ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया कि बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है, तो आपके इस प्यार के लिए मैं आता हूँ कि आप लोग इतना मेहनत करके एक बच्चा को अपना अपनी गोद में बैठा लेते हैं, उसके लिए मैं लाइव आता हूँ। और मैं आप सबसे ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में आपके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सहारा है, तो कभी कभी खुशी आप लोग इतना दे देते हैं ज़्यादा कि मन करता है कि आपसे कुछ शेयर करूँ। आपने अपने बेटे के लिए इतना मेहनत, अपने भाई के लिए इतना प्यार, दुलार स्नेह जो आपका आता है मेरे लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किससे शेयर करूँगा। ये खुशी आपने दी है तो ये खुशी भी मुझे लगता है ये इस खुशी का हकदार भी आप सभी हैं, इसीलिए मैं लाइव आता हूँ। बट मेरा कोई इरादा नहीं होता है कि मैं किसी को दिल दुखाने के लिए लाइव आऊँ या किसी को भला बुरा बोलने के लिए लाइव आऊँ। हाँ कभी कभी चीज़ें होती हैं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि ज़िंदा हूँ और मैं ज़िंदा हूँ तो गुस्सा जायज है। अगर आदमी ज़िंदगी में मर जाए तो शायद गुस्सा ना करे, लेकिन जब तक ज़िंदा है तो अच्छे भले बुरे की अगर पहचान हमें होती है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सबसे शेयर करें और बात करें, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ जनता ही है वो तो जनता से ही बात करेगा। मेरे जीवन में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और आपने आज 5-5 गाना, एक नेपाल में ट्रेंड कर रहा है, 4 इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, तो एक साथ एक कलाकार का और एक ही सीजन, और लगातार आप सबने प्यार और आशीर्वाद से मुझे भर दिया है, तो दिल से धन्यवाद आप सबको। और बवाल करे पे बहुत ज़्यादा रील बना है, अभी बतार के का ज़रूरत बा उस पर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रील बनाया। आज ये गाना रिलीज हुआ है मेरा वेब से, मेरे दिल के बड़ा करीब है, उस रिदम के गाना मैं बहुत ज़्यादा गाता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस रिदम का गाऊँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है उस पर डांस वांस करने में। तो वेब्स कंपनी से, और आज 1 मिलियन से ऊपर है वो गाना और आज ट्रेंडिंग में, तो मेरे तरफ से दिनेश जी आपको भी ढेर सारी शुभकामना कि आप बड़े दिल से गानों को रिलीज़ करते हैं और आप अपनी कंपनी को प्यार करते हैं, उस कंपनी से जितने भी वर्कर जुड़े हैं सबका एक मेहनत होता है। तो मैं पूरे सबसे पहले तो जनता को दिल से धन्यवाद आप सबको कि 5-5 गाना फिर से आप लोग ट्रेंडिंग में, एक नेपाल में, 4 इंडिया में, बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जो आप सब किसी को देते हैं, और मैं शुरू से आप लोगों ने ये अवसर मुझे दिया है और अपना प्यार बरसाया है अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, आप लोगों ने कभी मुझे दूर नहीं किया, कितनी भी आपदा आ गई मेरे लोग सपोर्ट, ठीक है सबका अपना तरीका होता है, उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता कि कौन गलत है कौन सही है, सबके अपने जीने का तरीका है। मैं तो आपके लिए ही बना हूँ और इसीलिए आप सबसे शेयर करता हूँ, और आसकी को जो अपने स्नेह और प्यार दिया, क्योंकि सिनेमा हॉल में जाकर देखना 2.5 घंटे अपना टाइम वेस्ट करके, जबकि आजकल मोबाइल के साधन है हर आदमी के पास, उसके बावजूद भी आप सब खेसारी के लिए हॉल तक जाकर और लगातार हाउसफुल करा रहे हैं आप सब, वो सिनेमा भी बड़ी अद्भुत बनी है, और प्रदीप शर्मा जी ने बड़ा दिल खोल के खर्चा किया है, अमरपाली जी ने अच्छा मेहनत किया है, बहुत अच्छा काम किया है, पराग जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे राकेश भैया ने बहुत अच्छा उसकी डायलॉग से लेकर हर चीज़ को सजाया है,
हमारे कैमरामैन प्रिंस भाई से लेकर, मैंने उस सिनेमा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परवीन भैया ने बड़ा मेहनत किया सिनेमा को रिलीज़ करने में, तो सबका एक योगदान होता है। और श्रुति जी ने हमारे पदम भैया से लेकर, मैंने जितने भी कलाकार उस सिनेमा से जुड़े हुए हैं, सब किरदार ने बड़ा अच्छा रोल किया है। हमारे सबसे बड़ा स्नेह अगर जाता है तो मानिए हमारे फादर, हमारे पिता, हमारे भोजपुरी के बचन कुणाल जी, जिनको हम लोग सब पिता मानते हैं और आजीवन उनको पिता ही मानेंगे। कुणाल जी ने बहुत अच्छा काम किया और उनसे जो हमें सीखने को मिला, उस अनुभव को फिर हम दोबारा आगे जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी सिखाई हुई अनुभव हमें काम ही आएगी। और कोशिश आदमी करता है कि अपने बुजुर्गों से, अपने आदर्शों से कुछ सीखें, और हमेशा हमें सीखना ही है। जब तक जिंदगी रहेगी ये ध्येय हमेशा दिल में रहता है कि हम सीखें सबसे। तो दिल से प्रणाम आप सबको कि आपने इतना प्यार, चार चार गाना ट्रेंडिंग में एक सिनेमा को इतना बड़ा ग्रैंड ओपनिंग देने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू, कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। और 11 तारीख को एक खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड या कि मेरी कंपनी से एक रिलीज हो रही है गाना, और मैं और अक्षरा जी हैं उसमें, वो सैड सॉन्ग है लेकिन इस साल का सबसे बेस्ट गाना है मेरे नज़र में, अद्भुत गाना है। और अक्षरा जी ने कमाल का काम किया है, एक गाने में कम से कम 6 से 7 कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं हम लोगों ने। तो आप लोग प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, 11 तारीख को खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हो रहा है वो, तो अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी, हम कोशिश किए हैं, बाकी आप सबके हाथ में है कि आप कितना मोहब्बत देते हैं। और मेरी आशा ना विश्वास है कि उस गाने को भी आप लोग अपने मेहनत और अपने ऊर्जा से उसको ट्रेंडिंग में लाएंगे। तो दिल से प्रणाम आप सबको, सबको चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ कि इतना अपार प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे ही आप सब इस बेटा से के सर से अपना हाथ कभी मत हटाइएगा, क्योंकि आप ही से मैं हूँ और आप ही के लिए जीता हूँ। तो कोशिश है अच्छा करने की, तो दिल से प्रणाम आप सबको, ऐसे ही सबको प्यार दीजिए, चारों गानों को ऐसे ही प्यार दीजिए। इधर 2 दिन कोई गाना मेरा छूटने वाला नहीं है, 2 दिन बाद ही छूटेगा और वो मेरा लास्ट होली होगा आप सबके बीच में। तो लास्ट होली को यादगार बनाना है आप सबको, और इस चारों गानों को, पांचों गानों को ट्रेंडिंग से हटने नहीं देना है, ऐसे रोज प्यार दिए जा करिए। और सिनेमा को एक बहुत अच्छा सिनेमा का हिस्सा बना हूँ मैं, अगर ये सिनेमा नहीं चलेगा तो दुख होगी कि हम अच्छा सिनेमा करके भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे। तो सिनेमा पे विशेष आप सब ध्यान, और हॉल तक जाइए ताकि आपका भोजपुरी, आपका भाषा बड़ा हो। तो आस्की को ऐसे ही प्यार दीजिए, जब तक वो हॉल तक लगे रहे तब तक ऐसा ही हाउसफुल का बोर्ड हम देखना चाहते हैं कि आपका प्यार और ऊर्जा खेसारी के लिए ऐसा ही बना रहे। तो दिल से प्रणाम आप सबको, होली की ढेर सारी शुभकामना और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कि भोजपुरी को आप सब इतना आगे देखना चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा ही भोजपुरी को बड़ा कर सकती है। हम तो सिर्फ एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कौन से सौदा को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी जीवन ऐसे ही कुशल रहे, और भोजपुरी को बड़ा करने में आप सबका बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपने बेटा अपने भाई को देते रहिए। लव यू ऑल, गुड नाइट ऑल, थैंक यू सो मच।